सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब से अब हम लोग जो है कि हिंदी का हर एक पेपर देखा जाएगा। जितने साल का हिंदी का पेपर है, आपके उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में जो हिंदी का पेपर हुआ है अभी तक, उन सारे पेपर को हम लोग देखेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं। आपके यूपी आर ओ आर ओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2021 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र, ठीक है, सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आज हम लोग देखेंगे, जिसकी एग्जाम डेट जो हुआ था, कब हुआ था, ये 5 दिसंबर 2021 को। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2021 में हिंदी का था, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आपके ऑप्शन थे अनुर्वर, आविर्भाव, कृत्रिम या प्राकृत, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी इसका, यानी कि कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा कृत्रिम, और वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, मतलब विलोम शब्द, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट था जो चारों ऑप्शन था उसका भी हम लोग देखते चलेंगे। अब अनुर्वर का उर्वर हो जाता है, आविर्भाव, तिरोभाव, वृष्टि, अनावृष्टि, सकाम, निष्काम, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण हम लोगों ने देख लिया है, जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाएं, देखें वर्तनी शुद्धिकरण के संबंध में कौन से नियम हैं और किस तरह से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। पहला था आधिकारिक, दूसरा था आधिकारिक, तीसरा है आधिकारिक और चौथा है आधिकारिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आधिकारिक, इसका आंसर होता है आधिकारिक, ठीक है। तो आधिकारिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प अशुद्ध है। और देखिए आधिकारिक होता है इसमें, अ की, अ में जो है कि आ की मात्रा दी हुई है, ठीक है, तो आधिकारिक। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, सुकवि, रससिद्ध कवि, महाकवि, आसु कवि, तो उसे कौन सा कवि कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आसु कवि, ठीक है। देखिए वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आसु कवि होगा, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे समीक्षक, जिसकी बुद्धि उसके अग्र की तरफ पैनी हो कुशाग्र बुद्धि, जो किसी की ओर से हो प्रतिनिधि, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपुला, सर्वरी, धेनुका, पयस्विनी, तो वसुधा का पर्यायवाची विपुला होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और वसुधा के अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा है, ठीक है। कर्पट का तद्भव क्या होगा? कपट, कपूर, कारपेट, कपड़ा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कपड़ा, कर्पट का कपड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप तो कर्पट का तद्भव कपड़ा हो जाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो जो है कि तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्पट, आम्र, पुष्प, मयूर, त्वचारी, खरपर इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु। देखिए विशेषण को भी हम लोगों ने देख लिया है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है और विशेषण किसे कहते हैं।
विशेषण विशेष में क्या अंतर है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा हमारा प्लेलिस्ट जाके हिंदी का जरूर देखें। देखिए विशेषण खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा, दयालु कृपालु खिलाड़ी धार्मिक। देखिए खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा, तो खेलना से खिलाड़ी, ठीक है। अब विशेषण किसे कहते हैं आइए जरा देख लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जो है आपका चार प्रकार का होता है, ठीक है। यही देख लेते हैं थोड़ा सा। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, ठीक है। अब सर्वनामिक में यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि आते हैं। गुणवाचक में जो किसी की गुण को बताता हो, जैसे नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा। संख्यावाचक में जो संख्या को दर्शाता हो। अब संख्यावाचक में भी जो है कि पूर्ण संख्या होता है और या फिर अपूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें भी चार, कुछ, तीस, सब, तीनों, चारों, दसों, पांचों, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण, दो, दो से, सब धन, दस हाथ, चार गज इत्यादि। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तीर, भाला, तलवार, धनुष, बाण। बी हो जाएगा तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार हो जाता है, ठीक है। और चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण इत्यादि। अब तीर का पर्यायवाची शब्द होगा आशुग, इसु, नाराज, शर, सायक, बाण। भाला का पर्यायवाची शब्द बरछा, कुंत, सलाका, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, ये पहचानना है आपको। अकूत, अचार, अचंड, अकर्ण, तो बी हो जाएगा अचार। विशेषण नहीं है यह, ठीक है। अचार विशेषण नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण शब्द हैं। अब आइए जरा देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। आगे चलते हैं। सौ गुना लंबा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सौ गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद होगा, विशेषण का कौन सा भेद होगा, ठीक है। तो सौ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद होगा, ये गणनावाचक है या क्रमवाचक या संपूर्णतावाचक या आवृत्तिवाचक। तो सौ गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए विशेषण जैसा कि हम लोगों ने देखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद हम लोगों ने देखे, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट है कि आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता हो, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और यानी कि बार बार आने वाला शब्द, क्रम से आने वाला शब्द, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे चार गुना, दस गुना, तीस गुना, चालीस गुना, तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना, छः गुना, सौ गुना, ठीक है। ये सारे जो है कि क्रम से आने वाले शब्द जो है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी, जानकार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब कुछ जानने वाला का आंसर हो जाएगा सी, सर्वज्ञ, ठीक है। जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो आपसे आप
अपने आप से जो है कि उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, और जो सब काम पे अपने भरोसे करता है स्वावलंबी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रधान, अंतिम, गौण, प्रत्यक्ष। सी हो जाएगा अंतिम, प्रथम का अंतिम विलोम हो जाएगा, प्रधान का गौण हो जाता है, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और प्रवर का अवर। ठीक है, प्रवर अवर और भर्ती भी आती है आपकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें आंसर हो जाएगा बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, अब उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, मुक्त कंठ प्रशंसा की, बड़ाई नहीं होगा। प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र के आगे समस्त नहीं लगाते, तो प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, तो ये आयु की जगह अवस्था हो जाएगा। आगे चलते